इस ऐसे में बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उसके माँ? अभी अखिलेश भैया आने वाले हैं, जिन जो मैंने बताया था ना DJI लेके गए हैं डिम्बल, वो डिनर की बोल रहे हैं। भाई साहब आ गए अखिलेश भाई साहब, इन्होंने मेरे को गिम्बल दिया था और अभी डिनर पे ले जा रहे हैं। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, जैसे हम लोग, मेरे को तो लगता है हम इंडियन अभी बहुत पीछे हैं। ये यहाँ पे बैठे हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं और यहीं से अपने पेड़ों में पानी दे रहे हैं। 5 मिनट पानी चलेगा और इन्होंने दिया, और इनकी गाड़ी भी स्टैंड बाय में है। पानी ये पेड़ों में पानी चल रहा है, मैनुअल मोड पे है ये। और ये 4 मिनट हो गया है, मतलब 1 मिनट हो गया है, ये 4 मिनट रहता है। और अभी कह रहे हैं कि गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे 1-1.5 महीने के लिए अगर कोई आए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, तो डेली अपने मतलब हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार चला ले उसको, है ना। कितने पीछे हम लोग। और सुना लीजिए वाइफ, मैं नाम बात भूल गई मिलाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो ये राष्ट्र गीत वो गा रहे हैं, जन गण मन। हम भाई साहब और के साथ ही जा रहे हैं, फॉरेस्ट व्यू लेके जा रही हूँ मैं उनको। खाना वहाँ का बहुत अच्छा है। शर्मा जी के साथ हमने दिया का लास्ट बर्थडे वहीं मनाया था। ये फॉरेस्ट व्यू होटल जो है, हम देहरादून की तरफ जाते हैं ऋषिकेश से, उससे पहले ही कट आएगा पेट्रोल पंप, फ्लाईओवर से जस्ट पहले, ये सामने फ्लाईओवर है, इससे जस्ट पहले ही आ जाएगा ये। बिल्कुल लास्ट में है ये। ये भी ऋषिकेश के बेस्ट फूड में से मतलब एक, अब तो काफ़ी चेंज हो गया है ये। एक्चुअली जो लोग नॉन वेज खाते हैं ना, तो मतलब हम तो नहीं खाते, जो लोग खाते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट होटल है। और यहाँ बार भी है, सब कुछ है। मैं फ़ोटो शेयर करूँगी, हमने 2019 में दिया ले गए थे, हम 2019 में आए थे, मम्मी भी थी तब, सब आए थे, दिया का बर्थडे यहीं सेलिब्रेट किया था। हमने मंगाया है पनीर लबाबदार, यहाँ का फेमस है, और जलफरेजी, मिक्स जलफरेजी, दिया के लिए नान और हमारे लिए रोटी। क्योंकि खाना कैसा है, हम तो खाते रहते हैं। नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नहीं, यहाँ का खाना खा के देखिए, खाना वाकई बहुत अच्छा है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, भाई साहब ने पार्टी दी है। खाने के बाद तो मीठा चाहिएगा। भाई साहब ने मंगाई स्ट्रॉबेरी और हमारी चॉकलेट। मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई थी और अब 7:30 बजे घूमने जा रही हूँ। कितनी अच्छी लग रही है तितली। इधर से चलते हैं, उधर से ना जाके इधर से, यहीं पर गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले थे पर बच गई, मतलब खर्च तो करने ही है, लेकिन फिलहाल इमरजेंसी में होते तो एक्स्ट्रा लगते। ये एरिया इतना शांत है ना फॉरेस्ट वालों का, ये गवर्नमेंट वो हैं सारे के सारे क्वार्टर्स। यहाँ से हम पहले दूध लेके आते थे, अब पीछे से आ रहा है दूध, वो घर पे ही दे जाती हैं। इनकी गाय बीमार हो गई थी पहले। हुआ ये था, कल जब मैं बच्चों के से खेल के आई, परसों जब मैं बच्चों से मिल के आई वहाँ पे खारा स्रोत में जाके अंदर, उसके बाद जैसे ही ऊपर चढ़ने लगी सीढ़ियों पे, मैंने रिकॉर्डिंग देखी पूरी कि कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ हुई, मेरा कहीं पानी में हाथ तो नहीं गया। पर ऐसा तो कुछ मैंने किया नहीं था कि भाई भाप लगी हो खाने की, या कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। इसमें आ गया पैच जो आपको नज़र आएगा वीडियो में। और यहाँ का नज़ारा ना एकदम अलग होता है, अद्भुत। और सामने हमारे सारे अंकल आ रहे हैं, ये देखो भाई साहब कह रहे थे ना 100 रुपये, देखो कितने बेलगिरी हैं, पर बंदर नहीं खाते। ये देखो पूरे यहाँ के जंगलों में ना बेलगिरी ही बेलगिरी है, नहीं खाते बंदर। उनको खाना वैसे खाने की आदत पड़ गई, आम भी इवन नहीं खाते वो, क्योंकि हम लोगों ने गंदी आदत डाल दी ना उनकी। पता नहीं कहाँ से इसमें प्रॉब्लम आ गई, पैच पैच आने लगा।
भाई साहब, अब असल में क्या हुआ कि रेनू के घर में थोड़ा सा अंधेरा रहता है। अब हमने तो लाइट पूरी शर्मा जी ने वैसे ही लगा रखी है अपने अकॉर्डिंग से कि भी शूटिंग करनी है। क्या हुआ कि उसने वहाँ मुझे पर दिखा नहीं। अब जब मैं भाई साहब के साथ कल अखिलेश भाई साहब के साथ होटल जब गई, वहाँ मुझे वो पैच के मार्क नज़र आए, और रात को भी नज़र नहीं आए गंगा जी पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी लाइट वो रहती है, वहाँ मुझे क्लियर नज़र आ रहे थे। तब जाके पता चला, मैंने कहा इसमें तो कुछ प्रॉब्लम आ गई है, और मैंने कहा ये भी हो गया क्योंकि एडवांस में कुछ किसी को बोल, अच्छा बोलने को क्या बोलूँ, सब बोलते हैं कुछ मंगवाना है कुछ मंगवाना है, जैसे USA से आ रहे हैं UK से आ रहे हैं, तो तब मैं मना कर देती हूँ और याद ये भूल जाती हूँ कि भाई GoPro मंगा लूँ, यहाँ आके पे कर दूँगी उसको, लेकिन वो भूल जाती हूँ असली बात कहनी। सुबह 5 बजे से लगी हुई इसमें कि कैसे ठीक हुआ, ड्रायर से खूब अंदर से वो किया, देखती रही, फिर अंदर कमरे में जाके बैठी आराम से। फिर मुझे ध्यान आया, किसी ने बताया था कि इसका आगे का लेंस खुल जाता है, YouTube पे देखा तो उसमें हाउ टू रिमूव लेंस का वीडियो ऐसे मतलब सर्च करके डाला तो आ गया। शर्मा जी के पास एक वो हमने चश्मे बनवाए थे यहाँ पे 3rd eye से, हालांकि चश्मे की क्वालिटी ठीक थी ज़्यादा अच्छी, लेकिन जो लिक्विड था ना उसका लेंस साफ करने वाला वो बहुत अच्छा था, उसमें से एक छोटा सा वो बचा हुआ था, तो वो थोड़ा सा मतलब हल्का सा लिक्विड बचा हुआ था वो डाल के किया तो एकदम से साफ। और मेरे को 2.5 घंटे हो गए थे इसमें लगे हुए, मैंने कहा क्या बनाने जाऊँ, पर ऐसी जो प्रॉब्लम आती है ना, अब उनके शर्मा जी के सामने आती तो वो टेंशन में आते, वो सर्च करते, अब मैं टेंशन में आ रही हूँ, मेरे सामने आ रही तो सीखने को भी मिल रहा बहुत सारी चीज़ें, ऐसे क्या होता है कैसे सोल्यूशन करूँ। शिवांगी भी ऐसी करती है, आती है तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम, रुक जाओ आजकल सब कुछ अवेलेबल है नेट पे, फटाफट से चेक करो और उसको ठीक कर लो। YouTube पे जैसे हम वीडियो भी दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी अवेलेबल होती हैं, हम कई बार फंस जाते हैं, लेडीज भी फंस जाती है, तो सब कुछ अवेलेबल होता है। इतनी स्पीड में ये गाड़ी आती है यहाँ पे, ये देखो, और वो बहुत डेंजरस रास्ता है, बहुत डेंजरस है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं उस कॉर्नर पे और आगे वाला एक कॉर्नर हो रहा है उस पर। तो भाई अगर कोई आ रहा हो तो GoPro Hero 9 ले आए। हाँ क्या बात है, हैं क्या बात है, खाने को नहीं लाई मैं, स्क्रीन ऑफ हो गई। प्रीति आजकल जल्दी आ रही है और जल्दी आके बहुत आगे तक जा रही है, मैं सोच रही थी कि आज मैं जल्दी आऊँगी, बस फिर इसने मेरा काम ख़राब कर दिया था। वो शायद मैराथन की प्रैक्टिस कर रही है चुपचाप, क्योंकि वहाँ से ढलान है ना पूरा, ये इतना डेंजरस है, यहाँ हमेशा एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर। कल बच्चों को लेके इधर जाएंगे, बच्चों के पास जाऊँगी, कुछ ना खाने पीने की चीज़ लेके जानी पड़ेगी उनके लिए। अब क्या टाइम हो गया है, अब हो गया है 8 बजने वाले हैं, तो सिर्फ भद्रकाली तक ही जाऊँगी, इसमें भी 2.5 किलोमीटर आना 2.5 जाना 5 किलोमीटर हो जाता है। एक बच्ची पीछे कंटिन्यूसली रोए जा रही है, मैंने पूछा बेटा क्या हुआ तो बता नहीं रही, फिर एक लड़का भी कह रहा मैं आंटी कुछ हुआ है क्या, क्योंकि मैंने पूछा तो बोली आंटी कुछ नहीं, उसके शायद मार्क्स कम आए हैं, उसकी टीचर का फ़ोन था, अब पता नहीं मार्क्स कम आए हैं क्या हुआ है, तो उसके पेरेंट्स उससे बात नहीं कर रहे, उनको ये नहीं पता कि वो गंगा जी के किनारे बैठी है, इस ऐसे में बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या उसके मार्क्स, चुप हो जाती है मैं देख के, अभी थोड़ी देर बैठ फिर जाऊँगी वहाँ पर, अभी एक बार समझा के आना पड़ेगा, अभी वो किसी से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। ओहो आनंद ही आनंद, कितनी बढ़िया हवा। आज तो मन कर रहा है खुद भी बैठी हूँ और आपको भी घंटों लिए बैठी रहूँ यहाँ पे, इतनी अच्छी हवा चल रही है, और ये जो सरफेस है ना, मिट्टी तो लग गई है पर
बहुत ठंडा लग रहा है क्योंकि नीचे आती है ना इसमें, और ऐसे ही निहारते रहे गंगा जी को। फॉरेस्ट व्यू का खाना जरूर खा के आए, बहुत टेस्टी है। भाई साहब और अखिलेश भाई साहब और भाभी जी दोनों के दोनों यूएस से आए हैं, वो कह रहे हैं हमें अच्छा लगा, ना ज़्यादा स्पाइसी ना ज़्यादा फीका। तो मैं और शर्मा जी हमने लास्ट में दिया नहीं बताया था, 2019 में हमने बर्थडे मनाया था, पूरी फैमिली गई थी, मम्मी भी थी, क्योंकि वो दिया दो तीन बार थे ना दिया, कभी टीवी दे देते थे उसके बर्थडे पे गिफ्ट, कभी कुछ कर देते थे, वो छोटी थी ना वो बहकाई में आ जाती थी, फिर जब वो बोल देखती कि सबका मन रहा है तो एक बार उसको मसूरी में ले गए थे किसी होटल में, वहाँ मनाया था उसका, हम तीनों ही थे तब, तो हम तीनों थे तब उसको लेके गए, मम्मी दिल्ली थी और कह रहे कि चल इसको घुमा के लाता हूँ, तो उसको बेचारी का ऐसी बर्थडे मनाए तो फिर एक बार फिर यहाँ पे लेके आए थे 19 में लेके गए थे। तो खाना ज़रूर खाने चाहिए, बहुत अच्छा है, और गोप्रो भगवान की दया से ठीक हो गया। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि मैंने पूछा तो 49,000 का मिल रहा था, मैं शर्मा जी के पास बैठ के मैंने कहा शर्मा जी आप तो डिस्काउंट के बिना लेते नहीं थे, अब देखो ये चूना मुझे लगेगा बचा लो। तो फिर आईडीए अब कह लीजिए कि इतनी देर से लगी हुई थी, फिर किसी ने कुछ पहले बताया था क्या कहते हैं कि इसका खुल जाता है 9 का जो लेंस है, तो वो एकदम से दिमाग में आ गया और वो वीडियो भी यूट्यूब पर ऊपर आ गया, तो वो पैसे भी बच गए। अब भाई किस कोई आ रहा हो, मैं ना वैसे भूल जाती हूँ बिल्कुल ही, मतलब अकल नाम की चीज़ नहीं है मेरे अंदर, नहीं तो लोग ध्यान रखते हैं, शर्मा जी होते तो वो भी ध्यान रखते कि अगर कोई आप यूएसए से या दुबई से या यूके से कोई भी आ रहा हो तो गोप्रो हीरो 10 लेते आइए, आके आपको पैसे मिल जाएंगे। इतना सही वीडियो था छोटा सा ही, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। कितनी ठंडी हवा चल रही है मैं बता नहीं सकती, ऐसे मन कर रहा है कि यहीं बिछाओ और यहीं सो जाओ, इतना ठंडा है। एसी भी इस जो नीचे जो मैं बैठी हुई ना एसी भी फेल है उसके सामने, और ऐसा मन कर रहा है यहीं एक चद्दर आ जाओ और यहीं बिछा के सो जाऊं। हर हर गंगे हर हर महादेव।